दोस्तों, मैं जब भी घर में चिप्स या किसी और स्नैक्स का पैकेट खोलता हूँ तो उसमें लगभग आधा पैकेट ही भरा रहता है और आधा खाली। और मुझे यकीन है कि आपके साथ भी यही होता होगा। फिर मेरे मन में एक सवाल आता है कि टीवी की एडवर्टाइज में ये पूरे के पूरे पैकेट भरे हुए कैसे दिखाई देते हैं। इसके अलावा चिकन, केक, आइसक्रीम जैसी कई चीजें एड में कितनी चमकदार और सुंदर दिखती है, पर वास्तव में उन्हें जब भी हम बनाते हैं या खरीद कर लाते हैं तो उतनी चमकदार नहीं दिखती है। आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों, टीवी पर जो प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं उनके पीछे की कहानी तो कुछ और ही होती है। और इन प्रोडक्ट्स को बेहतरीन ढंग से दिखाने के लिए क्या क्या टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, ये तो आप जानेंगे आज के इस एपिसोड में। कैलॉग्स। जब आप घर में कैलॉग्स के बाउल में कैलॉग्स और दूध डालते हैं तो कैलॉग्स उसी में मिक्स होकर नीचे रह जाता है और ऊपर आपको पतला सा दूध ही दिखाई देता है। लेकिन जब आप टीवी की एड में देखते हैं तो इस तरह से दूध उछलता हुआ गाढ़ा गाढ़ा सा दिखाई देता है और कैलॉग्स भी दूध के ऊपर ही दिखाई देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि दोस्तों, असल में दूध नहीं बल्कि ग्लू होता है, वही ग्लू जिसे हम पेपर वगैरह चिपकाते हैं। एड कंपनी वाले इसे अट्रैक्टिव दिखाने के लिए पानी में व्हाइट ग्लू को मिला देते हैं और फिर उसके ऊपर से कैलॉग्स डाल दिए जाते हैं। और लीजिए, हो गया आपका एक बाउल एड वाला हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार। तो क्या ख्याल है आपका? आप इस साइड में दिखने वाले ब्रेकफास्ट को खाना चाहेंगे या आप जैसा बनाते हैं उसी में संतुष्ट हैं? कार एड्स। टीवी स्क्रीन पर जब कोई खूबसूरत चमचमाती हुई कार दौड़ती हुई नजर आती है तो बस लगता है कि अब यही जिंदगी का एक टारगेट है। अगर कुछ हासिल करना है तो बस एक कार। दरअसल लग्जरी कार बनाते समय कार कंपनियां उसके लुक और कंफर्ट पर ज्यादा ध्यान देती है, और जो लोग कार के शौकीन होते हैं वो केवल यही चाहते हैं कि उनके पास सबसे बेहतरीन और खूबसूरत कार हो। और कार खरीदते समय खरीदार यही सोचते हैं कि जैसा कि एड में सेलिब्रिटीज को दिखाया जाता है कि वो पहाड़ों और नदियों में कार दौड़ाते हुए चले जा रहे हैं, ठीक उसी तरह वो भी कार को कार नहीं बल्कि एरोप्लेन बनाकर चला लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार की एडवर्टाइजमेंट ओरिजिनल मॉडल के साथ सूट नहीं होती है, बल्कि ब्लैक वर्ल्ड नाम की इस कार जिसे आप स्क्रीन में इस वक्त देख रहे हैं उसके साथ सूट की जाती है। ये एक ऐसी कार है जिसे कंप्यूटर की मदद से क्रोमा का इस्तेमाल करके किसी भी कार के रंग रूप में बदला जा सकता है, और इतना ही नहीं बल्कि इसे जरूरत के हिसाब से कितना भी बड़ा, छोटा और लंबा दिखाया जा सकता है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी एड बनाने में आजमाया जाता है जिसे जानकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे, क्योंकि लाखों में बिकने वाली गाड़ियों की एडवर्टाइजमेंट कभी कभी तो टॉय कार से भी बना ली जाती है। आप खुद ही देख लीजिए कि किस तरह से एक छोटी सी खिलौने वाली कार को एक लंबे से कैमरे से दिखाकर कैसे दर्शकों का दिल जीत लिया जाता है और उन्हें पता भी नहीं चल पाता है। चिकन। नॉनवेज प्रेमियों के लिए तो चिकन की कोई भी डिश हो उनके मुंह में पानी आ ही जाता है, खासतौर पर जब टीवी में इस तरह का भुना हुआ मसालेदार चमकता हुआ चिकन दिखाई देता है, तब तो कोई भी अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा। उनके मन में यही आएगा कि काश ये चिकन अभी उसे खाने को मिल जाए। लेकिन अगर आप भी टीवी की इस तरह की एड को देखकर ऐसा ही सोचते हैं तो जरा इसके पीछे की असलियत भी देख लीजिए। दरअसल जो चिकन आपको पका हुआ दिखाई दे रहा है वो पूरी तरह से कच्चा है, क्योंकि पकने के बाद चिकन ज्यादा देर तक उतना फ्रेश नहीं दिख सकता और शूटिंग पूरा होने में तो घंटों लग जाते हैं। इसलिए इस कच्चे चिकन को पका हुआ दिखाने के लिए इसके ऊपर शू पॉलिश का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, वही शू पॉलिश जिनसे आप अपने जूतों को चमकाते हैं। अगर अब भी कच्चे चिकन को पॉलिश के साथ खाने की आपकी इच्छा बरकरार है तो इन्हीं एड बनाने वालों के पास चले जाइए, क्या पता आपको फ्री में ही ये सड़ा हुआ मांस मिल जाए। बर्फ या डायपर। अच्छा दोस्तों, आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी बर्फ की जगह डायपर से संबंधित कोई चीज यूज की है? हमें पता है कि आपका जवाब नहीं ही होगा, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट बनाने वाली कंपनियां वो कर ही दिखाती हैं जिस चीज का कोई भी मेल नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी एड में झींगा मछली की डिश को बर्फ के ऊपर रखा हुआ दिखाना है, तो जाहिर सी बात है कि एड की शूटिंग जितने लंबे समय तक चलेगी उतने में तो बर्फ पिघल जाएगी और डिश का सारा डेकोरेशन खराब हो जाएगा। लेकिन ये तो तब होगा ना जब बर्फ असली लगाई जाएगी। एड कंपनी वाले तो मस्त एक मैमी पोको पैंट्स ले आते हैं और उसके अंदर का सारा व्हाइट जेल निकाल कर कुछ इस तरह से नकली बर्फ तैयार कर लेते हैं। इस सेटअप को बनाने के बाद अब इसके ऊपर आप इस तरह से किसी भी डिश को डेकोरेट करके दिखा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप टीवी की एड में कोल्ड ड्रिंक के गिलास में भी जो बड़े बड़े आइस क्यूब देखते हैं, जैसे कि आपको अपने घर की कोल्ड ड्रिंक के गिलास में भी नहीं दिखाई पड़ते हैं, वो भी वास्तव में आइस क्यूब नहीं बल्कि डायपर के व्हाइट जेल से बने हुए नकली आइस क्यूब होते हैं। इसके अलावा आलू टिक्की या समोसे जैसी चीज को एक्स्ट्रा गर्म दिखाने के लिए एड कंपनी स्टीमर का यूज करके उस चीज को गर्मा गर्म हल्का धुआं निकलता हुआ दिखाती है, और इस तरह बारहमासी आपको कोई भी चीज एड में ठंडी या गर्म देखने को मिल जाती है। झागदार कॉफी। सोशल मीडिया में आजकल हर जगह झाग वाली कॉफी का बहुत ट्रेंड चल रहा है। टीवी एड में भी जो कॉफी घर में बिना मशीन की बनी हुई दिखाई जाती है उसमें इतना झाग होता है कि वो कफ के बाहर आ रहा होता है, फिर भले ही वो बिना दूध की ब्लैक कॉफी ही क्यों ना हो, पर घर में बनाने पर ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, हकीकत ये है कि एक बार जब एक कॉफी कंपनी ने एडवर्टाइज कंपनी पर प्रेशर डाला कि चाहे कुछ भी हो उन्हें कॉफी के कप में खूब सारा झाग दिखाना ही है, नहीं तो मार्केट में उनकी सेल डाउन हो जाएगी, तब एडवर्टाइजिंग कंपनी ने इसका सोल्यूशन निकालते हुए कॉफी के कप में एक चम्मच डिशवॉशर या शैम्पू डालते हुए खूब सारा झाग बना डाला और तैयार हो गई खूब सारे झाग वाली कॉफी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब टीवी पर किसी सेलिब्रिटी को कॉफी पीते हुए दिखाया जाता है तो क्या वो डिशवॉशर वाली कॉफी पीते हैं? तो आपको बता दें कि वो सेलिब्रिटी डिशवॉशर या शैम्पू वाली कॉफी नहीं पीते हैं, बल्कि कॉफी का कप सूट होने के बाद और सेलिब्रिटी के पीने से ठीक पहले कप को चेंज कर दिया जाता है, या कभी कभी कोई झाग वाला एडिबल लिक्विड भी डाल दिया जाता है जिसे पीने से किसी को भी कुछ नहीं होता। और ऐसी एड को देखकर तो दर्शक भी तुरंत कॉफी पीने के मूड में आ जाते हैं, और बस यही तो चाहिए इन कंपनी वालों को। चॉकलेट।
अभी आप स्क्रीन में जिस ऐड को देख रहे हैं उसमें चॉकलेट की दीवान की ऐसी दिखाई गई है कि आदमी हवा में उड़ता हुआ चला जा रहा है सिर्फ चॉकलेट को पाने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि इस ऐड को बनाने में कितने सारे लोगों की मेहनत और टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ा था? जी हाँ दोस्तों, इस ऐड को तैयार करने के लिए पहले तो कई सारे टेलर मिलकर एक ही रंग के कपड़े का बड़ा सा सेटअप तैयार करते हैं। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट डायरेक्टर टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ इस तरह का सेटअप तैयार कर लेते हैं। इसके पीछे का मकसद सिर्फ एक ही रहता है और वो है बच्चों का दिल जीतना, क्योंकि चॉकलेट एक ऐसी चीज है कि वो चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो बच्चों को खानी ही रहती है। और जब तक बच्चे चॉकलेट की ऐड से अट्रैक्ट नहीं होंगे तब तक वो उसे लेने की जिद भी नहीं करेंगे। चॉकलेट बेचने का एक और तरीका भी है जो कई कंपनियां अपनाती है, और वो ये है कि चॉकलेट के साथ छोटे छोटे टॉयज भी बच्चों को दिए जाएं, क्योंकि बच्चे खिलौनों के लिए हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं। और फिर जिस चॉकलेट के साथ खिलौने मिल रहे हों तो उसे लेने की जिद भला कौन सा बच्चा नहीं करेगा। और बस हो गया एक अच्छी ऐड बनाने का उद्देश्य पूरा। एडवर्टाइजमेंट के लिए बेजुबानों का शोषण। दोस्तों वैसे तो मूवीज में जिन जानवरों के साथ शूटिंग की जाती है वो हर तरह से ट्रेन होते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जब किसी ऐड में जानवरों को दिखाया जाता है तो उनके साथ जो सलूक किया जाता है उसे तो बेचारे वो बेजुबान जानवर बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ जानवरों को तो ऐड शूट होने के कुछ देर पहले फ्रीज में भी बंद कर दिया जाता है, जैसे स्पाइडर, बटरफ्लाई, लेडीबर्ड्स। इनके साथ जब भी कोई सीन शूट किया जाता है तो इनको एक कंटेनर में बंद करके 3 से 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इससे केवल इनकी मूवमेंट ही स्लो होती है जिस वजह से ऐड शूट करते वक्त परफेक्ट शॉट मिल जाता है। लेकिन जरा सोचिए अगर 5 मिनट के बाद कोई इन्हें निकालना ही भूल जाए तो ये बेचारे बिन मौत ही मारे जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर ऐड को शूट करने वाला जानवरों का दुश्मन ही होता है, कुछ लोग इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। जैसा कि आप इस ऐड में देख रहे हैं कि ये लड़की कैसे स्लो मोशन में टाइगर के साथ वॉक कर रही है। दरअसल हकीकत में तो लड़की और टाइगर दोनों के वॉक को ग्रीन स्क्रीन में अलग अलग शूट कर लिया गया था और बाद में उसे एडिट करके ऐसा दिखा दिया गया। अब ऐसा करने में किसी को कोई परेशानी भी नहीं हुई और ऐड भी जबरदस्त बन गया और जानवर पर भी ज्यादा अन्याय नहीं होता है। ना कमाल की टेक्निक। पान मसाला। दोस्तों टीवी पर जब भी पान मसाला की ऐड आती है तो उसमें हमारे फिल्म इंडस्ट्री के पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सुपरस्टार पान मसाला खाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन क्या सच में इन्हें कभी किसी ने पान मसाला खाते हुए देखा है? और क्या ये सुपरस्टार जो हमेशा 5-स्टार होटल का खाना खाते हैं, बिस्लरी से भी महंगा पानी पीते हैं, वो भला आम आदमी की तरह 5 रुपए के मसाले की पुड़िया खाएंगे और खाकर बड़ी शान से उस पान मसाले की तारीफ भी करेंगे जिसकी पुड़िया पर लिखा रहता है कि मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो दरअसल दोस्तों ये हीरो तो केवल एक्टिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि ये उनका जॉब है और इसके लिए उन्हें अच्छे खासे पैसे भी ऑफर किए जाते हैं। लेकिन इस मसाले की पुड़िया की सच्चाई क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों ऐड में हमारे सुपरस्टार मसाले की पुड़िया तो खाते दिखते हैं, लेकिन इस पुड़िया के अंदर मसाला नहीं बल्कि मिल्क पाउडर होता है जो कि बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। लेकिन इन सुपरस्टार्स के फैन तो केवल ये देखकर ही वो पान मसाला खाने लगते हैं कि हमारा हीरो जिसे खाकर इतना रॉयल बन गया है उसे खाकर हम भी रॉयल बन जाएंगे, और शायद इसे ही कहते हैं अंधभक्ति। तो दोस्तों ये थी एडवर्टाइजमेंट्स के पीछे की असलियत। वो कहते हैं ना कि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। शानदार पैकिंग के अंदर मटेरियल कुछ और ही होता है जो हमें दूर से दिखाई नहीं देता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि आज का ये वीडियो देखकर आप हर चीज को देख पर कर ही अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही खरीदेंगे। वैसे दोस्तों आपको आज के इस वीडियो में एड शूट करने की कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार को शाम 6 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।